मोबाइल में ओपन कर, ओपन मोबाइल। ओके, वंस अगेन वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट द सेशन स्टूडेंट्स एंड ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। अगर सर चेक करके बताइए साउंड कैसा है। प्लीज चेक द साउंड। नाउ स्टूडेंट्स, सॉरी, वी कंप्लीटेड फर्स्ट थ्री पैराज ऑफ द चैप्टर। लेट मी जस्ट टेल यू एट द एंड व्हाट वी रेड, के एक जो डीफ लड़की है, डेफ बेसिकली, नॉट एबल टू हियर, वो सुन नहीं सकती, इवन दो शी डिटरमाइंड दैट शी वुड वर्क हार्ड एंड शी वुड गो अहेड बाय लर्निंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिकल स्किल्स। वन ऑफ द टीचर और वी कैन से हर गुरु परक्यूशनिस्ट, द वन हु प्लेज ड्रम और लाइक तबला, इनकरेज्ड हर, मोटिवेटेड हर टू लर्न द स्किल्स बाय जस्ट फीलिंग, एंड शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। द नेम ऑफ जेन रॉन, दैट वॉज द नेम रॉन फॉब्स बेसिकली। The Forbes helped her to get confidence. She got the confidence and she started learning the musical notes, instruments, and she started feeling like the vibrations or like the range of the sound which is produced while playing. So she started these all points and she determined the things she got in. Now you see, we are at the fourth para students. She never looked back from that point onwards. Us din ke baad, when she got the working, she never looked back from that point onwards. Us din ke baad jab usko ye confidence mila ki wo jo hai अपने आप को प्रिपेयर कर सकती है, शी कैन फील द वाइब्रेशंस एंड लर्न द थिंग्स, उस दिन के बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ करके जिंदगी में नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरलाइन द वर्ड ऑर्केस्ट्रा, अ ग्रुप ऑफ पीपल, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और गिव द कॉन्सर्ट्स, बेसिकली ऑर्केस्ट्रा। सो She toured the United Kingdom. वो United Kingdom गई with the youth orchestra, youth orchestra people के साथ. And by the time she was 16, और उस समय जो है वो 16 की थी जब she had decided to make music her life. और उसने जो है अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर लिया था that she wanted to become a musician basically. She wanted to make her life, her career in music industry, in music profession basically. She auditioned for the Royal Academy of Music. उसने Royal Academy के लिए auditions दिए। Audition means, you can see the meaning at the in the side, give a short performance so that the director could decide whether she was good enough or not. Audition means she was judged, she was checked by the directors whether she was good enough or not, and scored one of the highest marks in the history. और उसने जो है उस रॉयल एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए, गेट किए बेसिकली, हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। अभी तक जो है उस एकेडमी में कोई भी इतने मार्क्स म्यूजिकल नोट्स में गेट नहीं कर पाया था। शी ग्रेसफुली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। नाउ यू सी, ऑर्केस्ट्रल वर्क मीन्स शी वाज वर्किंग इन अ ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली, लोगों के ग्रुप में वो काम कर रही थी। शी वॉज वर्किंग विद द पीपल लाइक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप। नाउ शी हैज कम टू द सोलो परफॉर्मेंस। सोलो परफॉर्मेंस मींस इंडिविजुअल वर्किंग, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, सोलो, अकेले को उसको जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना था। एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। नाउ यू सी स्टूडेंट्स, एट द एंड बेसिकली व्हेन शी कंप्लीटेड हर थ्री ईयर कोर्स देयर, she had captured most of the top awards.
उसने अपनी लाइफ के जो है उस समय सबसे टॉप अवार्ड्स अपनी एजुकेशन के स्टडी के जो 3 ईयर्स के लिए वहां पर चल रही थी उसकी, उसने सबसे टॉप अवार्ड्स को अचीव किया, गेट किया। एंड फॉर दिस फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। नाउ यू सी स्टूडेंट्स, उसने इतने अवार्ड्स हासिल किए, इतनी उपलब्धियां हासिल की, और उसने कोई भी संकेत ऐसा नहीं दिया कि वो इन उपलब्धियों को स्वीकार कर रही है एज ए हीरोइक। शी वॉज वर्किंग नॉर्मली देयर ओनली, नॉट शोइंग, नो पॉम्पोसिटी वॉज देयर, कोई दिखावा नहीं था वहां पर। शी जस्ट डिड दिस पैशनेटली। और वो कहती है इफ यू वर्क हार्ड, एवलिन ने कहा कि अगर आप मेहनत करते हो, वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो का मीनिंग यहाँ पर व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड एंड यू नो दैट आफ्टर वर्किंग दिस वेयर यू विल बी, व्हाट सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट यू विल गेट इन योर लाइफ, यू विल गेट देयर, तुम वहां पर पहुंच जाओगे इफ यू नो दिस। दिस अ मोटिवेशनल थॉट बेसिकली ऑफ एवलिन जो हमें बताती है। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो जो है सीधा जो है टॉप पर चली जाती है, टू द वर्ल्ड मोस्ट सोच आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल बेसिकली। सो व्हाट वी गेट हियर, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और बिल्कुल टॉप पे चली जाती है अपनी इंडस्ट्री के, अपने प्रोफेशन के, द वर्ल्ड मोस्ट सोट आफ्टर। सोट आफ्टर इज अ फ्रेज स्टूडेंट्स, If you want to note down its meaning, sought after means, वो बताता है कि wanted by many people. Any particular profession means, which is wanted by many people because it is of very good quality. Officially वो कहता है, which is very difficult to get or find. Musical instruments को play करना और उसको सीखना, and then you need to manage the things, you need to survive in the industry, and you need to compete a lot people. There is a lot of competition in between basically. बहुत ज्यादा competition होता है. Multi-percussionist means she could play a mastery of some 1000 instruments. हजारों instruments जो music के होते हैं, in a different way she could play. वो बजा सकती थी, उसने सीख लिया था. Play करना सारे का सारा, सब कुछ. And hectic international schedule basically. Hectic means busy. और उसका जो शेड्यूल था वो बिल्कुल बिजी हो चुका था, कॉन्सर्ट्स को लेकर के, मीटिंग्स को लेकर के, फॉर द प्रोग्राम्स बेसिकली। नाउ यू सी द सिक्स्थ वन, इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। इंट्रीग्यूइंग मीन्स वो कहते हैं फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, जो कि बिल्कुल लुभावने होते हैं और लुभावित करते हैं, भावित करते हैं अपनी तरफ, जो कि उसके फंक्शंस होते हैं जिनको एफर्टलेसली बिना किसी मेहनत के जो है हम लोग देखते हैं विदाउट हियरिंग। और हम लोग क्या देखते हैं, द शी प्लेज द ड्रम्स विदाउट हियरिंग, इवन दो शी कांट हियर, वो सुन नहीं सकती है, बट वो प्ले कर सकती है, एंड वी कैन लिसन हर इन आवर 2 आवर डिस्कशन। नाउ द ऑथर इज टेलिंग अस कि हमारे 2 घंटे की डिस्कशन में, सेशन में, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया, उसने एक शब्द भी नहीं छोड़ा। With the men with bushy beards give me trouble. और क्या कहती हैं? She laughed. और ये क्या? Evelyn क्या बताती है? कहती है, men with bushy beards. वो आदमी जिसके चेहरे पर दाढ़ी आई हुई हो, bushy beards means बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला इंसान, give me trouble. मुझे थोड़ा सा trouble देता है, मुझे थोड़ी सी problem देता है. She laughed. और ये कहकर के वो हंसती है. It is not just watching the lips. वो बताती है, because you know that she can't hear you. अगर आप उसके सामने बातें कर रही हैं, इफ यू आर टॉकिंग विद हर, शी कैन नॉट हियर यू, शी लुक्स एट योर फेस, वो आपके फेस को देखती है, जस्ट वॉचिंग द लिप्स, आपके लिप्स मूवमेंट को देखती है, इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज। और वो बताती है, हाउ डज शी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग, कि आप क्या बोल रहे हो, वो कैसे मतलब इसको समझती है, हाउ डज शी अंडरस्टैंड, हाउ डज शी टेक। सो नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये केवल लिप्स को देखना ही नहीं होता, उस ब्यूशी बियर्ड वाले आदमी के बारे में बताती है, द वन हु गॉट द लॉन्ग बियर्ड, लंबी लंबी दाढ़ी थी जिसकी, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी ट्रबल होती थी, प्रॉब्लम होती थी समझने में।
इट्स द होल फेस एस्पेशली द आईज। और वो कहती है कि मुझे ये सारे का सारा फेस आपका रीड आउट करना होता है, देखना होता है, और स्पेशली आईज, आंखें के बारे में कहती है कि जो कुछ बोलती है। आई टोल्ड यू पीपल इट्स द फेशियल एक्सप्रेशंस, इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, कि बॉडी लैंग्वेज का हमारा पार्ट होता है विच स्पीक अ लॉट, जो कि बॉडी लैंग्वेज के जो ये पार्ट्स होते हैं ये हमारी चीजों के बारे में जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हम बोल रहे हैं, ये उसको पेस करते हैं। दिस गो विद दैट बेसिकली। सो द वन कैन नॉट हियर इवन दो ही और शी कैन अंडरस्टैंड अस बाय द फेशियल एक्सप्रेशंस। सो आईज अपना रोल प्ले करती है वहां पर। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। अब वो ऑथर बताता है कि वो फ्लॉलेसली बोल सकती है। फ्लॉलेसली मींस विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के फ्लॉलेसली जो है वो बोल सकती है। With a Scottish lilt. Lilt means a way of speaking. The way we speak, like students, everyone has his or her own way to speak. And that is according to their system or society or education. So, वो जो Evelyn थी, Scottish lilt, उस point of view से बातें करती थी, जो कि उसने अपनी life में अभी तक सीखा था बचपन से। My speech is clear because I could hear till I was 11. Now Evelyn is telling us कि अभी मैं जब तक 11 साल की थी तब तक मैं बिल्कुल अच्छे से सुन सकती थी। She says, वो कहती है, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब वो लेकिन ये हमें नहीं बताती है कि किस तरह से उसने जो है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा और जापानीज के बेसिक्स के ऊपर, बेसिक्स में मास्टर को हासिल किया। मास्टर इन द सेंस बेसिक नॉलेज ऑफ द जापानीज लैंग्वेज, किस तरह से उसने जो है अपनी कमांड को मैनेज किया। शी डजंट टेल अस, वो हमें इसके बारे में नहीं बताती है। नाउ यू सी स्टूडेंट्स, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स। इसमें वो हमें ये एक्सप्लेन करती है हाउ शी लर्नड द म्यूजिक। सो एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, बताती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। नाउ पोर्स मीन्स, वो कहती है कि भाई ये जो है मेरे पूरे शरीर में, बॉडी में, वो कहती है ये बहता है, छलकता है, बेसिकली पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी, मेरी बॉडी के हर एक अंग में, हर एक पार्ट में जो है ये झलकता है। म्यूजिक, इट टिंगल्स, टिंगल्स इन द स्किन। टिंगल्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स झनझनाहट, सनसनाहट, बॉडी की जो झनझनाहट होती है, सनसनाहट होती है। In the skin, my cheekbones, cheekbones means गाल की जो bones हैं, हड्डियाँ हैं, and even in my hair, और मेरे hair, जो मेरे बाल हैं, basically वो बताती है, when she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. Now you see, you can see in the picture also, when she's playing the xylophone, जिस तरह से वो xylophone को play करती है, she can sense the sound. वो साउंड को सेंस कर सकती है। आई टोल्ड यू व्हेन वी स्टार्टेड द चैप्टर, हर वन ऑफ द सेंसेस ऑफ हियरिंग इज डिसेबल्ड, डिसपेयर्ड, उसकी डिसपेयर हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, वीक हो चुकी है, बट अदर सेंसेस आर अलाइव। और वो कौन सी सेंस को यूज करती है म्यूजिक को सीखने के लिए, सेंस ऑफ फीलिंग, बेसिकली कैन सेंस द साउंड पासिंग अप। और जो साउंड जब वो प्ले करती है जाइलोफोन को, जो साउंड निकलता है उसको प्ले करते हुए, वो पास करता है स्टिक से होते हुए उसकी फिंगर्स में आता है। जैसे ही स्टिक जाइलोफोन को टच करती है, उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट प्रोड्यूसेस द साउंड और म्यूजिक, जो कि वहां से निकल कर स्टिक्स के जरिए उसकी फिंगर्स में आता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब वो ड्रम्स के अगेंस्ट, मींस लीन मींस उसके तरफ झुकती है उसको बजाने के लिए, प्ले करने के लिए, शी कैन फील द रेजोनेंस। रेजोनेंस मींस स्टूडेंट्स गूंज, जो ड्रम और जो तबला वो बजाती है, शी कैन फील द रेजोनेंस, गूंज, एकोज ऑफ साउंड्स, शब्द की लहर जो होती है, जो गूंज होती है, शी कैन फील दैट फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो उस ड्रम से, उस तबले से, उस जाइलोफोन से निकल कर बाहर जाती है, सो शी कैन फील इन हर बॉडी, वो अपनी बॉडी में महसूस कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज,
whenever she goes to play the instrument, and if there is wooden platform, she removes her shoes. अपने shoes को remove करती है, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. ताकि जो vibrations होती है, जो कंपन होती है, वो वुडन फ्लोर के जरिए होते हुए उसके बेयर फीट तक आए, उसके नंगे पांव तक आए एंड अप हर लेग्स, और ऊपर जो है उसकी टांगों तक, उसकी लेग्स तक पहुंच जाए, वो उसको महसूस कर पाए. सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यू नीड टू सी दिस. इसमें से दो तीन क्वेश्चन भी प्रिपेयर होते हैं. दिस वी विल डिस्कस व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर. लेट्स गो नेक्स्ट. नॉट सरप्राइजिंगली Evelyn delights her audiences. Surprisingly means आश्चर्यचकित वे से, ना कि बिल्कुल. वो कहते हैं Evelyn delights, आनंदित करना, खुश करना, happy करना her audiences. Audiences means the people who come to see or watch her concert. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious